हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेट इंटरनेशनल। आज की वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आपको F1 के स्लॉट्स के लिए वीडियो चाहिए, एंड मेनी ऑफ देम लाइक वोटेड फॉर येस ओनली। सो हियर इट इज फॉर यू अबाउट द स्लॉट्स ऑफ F1 वीजास फॉर जैन 2023। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जैन इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ उसमें से रिफ्यूज भी हैं जो सितंबर इनटेक के लिए रिफ्यूज हुए हैं और वो जैन इनटेक में फिर से अप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर स्लॉट्स। ऑल्दो एम्बेसी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया कि वो कब ओपन करने जा रही है स्लॉट्स को, बट आई एम गोना टेल यू कि कब स्लॉट ओपन होंगे, कब तक आपको मिल जाएंगे, कैसे आपको मिलेंगे, everything will be in this video. So before going to the video, if you are new to this channel, do subscribe my channel and press the bell icon. And if you like this video, do hit the like button. So let's start with the video. The first thing I want to tell you is the rule of US Embassy. जैसे कि एम्बेसी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है F1 के लिए, एवरी वन ऑफ यू नो कि अब एम्बेसी अभी तक F1 का कुछ नहीं बता रही। मैं बात कर रहा हूँ 2023 के जैन डेट की। तो वट वी आर थिंकिंग कि कब स्लॉट ओपन होंगे, इसमें उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? एम्बेसी का एक रूल। वो रूल है कि एम्बेसी जो है 120 डेज से पहले वीजा नहीं देती। आई मीन टू से अगर आपका जैन इनटेक है फॉर इंस्टेंस 2 जनवरी, तो अगर आपका 2 जनवरी का सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो उससे 120 डेज पहले आप ले लो, उससे पहले अगर आप अप्लाई करते हो तो एम्बेसी आपको वीजा नहीं देगी। ओके, इट मीन्स ये क्लियर है कि जो स्लॉट्स हैं वो उस 120 डेज के बीच में ही ओपन होंगे। डेफिनेटली वो टाइम वही होगा जिसमें एम्बेसी रेडी है वीजा देने को। अब उसके अकॉर्डिंग चले तो 120 डेज जो बनते हैं 4 मंथ्स बनते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम जनवरी से बैकवर्ड काउंट करें दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर, और तो सितंबर में हम ऑलरेडी चल रहे हैं। एम्बेसी ने बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए थे कि जो B1 B2 के स्लॉट्स हैं वो सितंबर से ऑनवर्ड ओपन हो जाएंगे, बट अभी तक ओपन नहीं हुआ। बीच में बहुत सारी न्यूज भी आ रही है कि हैदराबाद में वो 55 कंसुलेट्स और ओपन करने जा रहे हैं, एंड आई डोंट नो टू विच एक्सटेंट इट इज लाइक ट्रू, बट ऑल्दो दे आर वर्किंग ऑन इट, दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि वो ज्यादा से ज्यादा स्लॉट ओपन करेंगे इन द फ्यूचर। सो वी माइट थिंक दैट दे माइट हैव डन समथिंग टू ओपन मोर एंड मोर स्लॉट्स। तो बात करें करंट सिनेरियो के बारे में, करंट सिनेरियो में जो स्लॉट्स ओपन मिल रहे हैं वो अब वो 2024 के छोड़ के 2025 में भी चले गए हैं। अगर हम पेस्ट होल्डर्स की बात करते हैं, 2025 होल ईयर आपको स्लॉट्स मिल जाएंगे, बट वो तो ये किसी काम के लिए है। यू कैन यूज इट एज अ प्लेस होल्डर अगर आपको किसी इमरजेंसी के यूज में जाना है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप बात कर रहे हैं B1 B2 के बारे में, B1 B2 के स्लॉट्स वी आर एक्सपेक्टिंग जल्दी ओपन होने चाहिए। ऑल्दो एम्बेसी इसके बारे में कुछ नहीं बता रही अभी तक कि क्या करने हैं क्या नहीं, बट हमारे एक्सपेक्टेशन है व्हाट वी आर होपिंग कि अक्टूबर के मंथ में 2022 में हमें कुछ स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ द स्लॉट्स कि कितने स्लॉट्स होंगे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अच्छे अमाउंट में मिलने चाहिए। जैसे एम्बेसी ने कुछ मंथ पहले बताया था कि दे विल बी गिविंग अप्रोक्सीमेटली 500 स्लॉट्स ईच डे, ऑल्दो कि अभी तक उन्होंने इस पे कोई रिजल्ट दिखाया नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो जल्दी दिखाएंगे। तो बात करते हैं बाकी स्लॉट्स के बारे में, H1B या दूसरे स्लॉट्स के बारे में। वो अगस्त के मंथ में एक बल्क ओपनिंग हुई थी, उसके बाद अभी तक एक भी स्लॉट नहीं देखने को मिला है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो नेक्स्ट ईयर के स्लॉट्स को कुछ ओपन करेंगे, जैन ऑनवर्ड से ओपन करेंगे। एंड आई डोंट थिंक लाइक इस मंथ इस ईयर में कोई स्लॉट देखने को मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो रेयर चांसेस हैं, मोस्ट चांसेस आर कि वो नेक्स्ट ईयर के ही मिलेंगे। फॉर दोज ऑफ यू जो स्लॉट देख रहे हैं ड्रॉपबॉक्स के लिए H1B या किसी और वीजा के लिए, तो प्लीज डोंट स्टिक टू द 2022। इफ यू कैन डू जस्ट मूव ऑन टू 2023, बिकॉज वी नेवर नो कि उसके बाद ये 2023 के आगे कब और कौन से मंथ में मिलेंगे। सो वट एवर स्लॉट वी आर गेटिंग जस्ट बुक इट एज लास्ट रिजोर्ट, and don't miss any chance of booking a slot if it is available on your screen, just book it, because एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप स्लॉट बुक कर रहे हैं अपनी साइड से, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अगर एक बार आप फीस पे करते हो तो यू आर हैविंग 3 चांसेस टू बुक अ स्लॉट।
ज्यादातर मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो बुक करते हैं कैंसिल करते हैं, बुक करते हैं कैंसिल करते हैं, बुक करते हैं कैंसिल करते हैं, जब थ्री चांसेस आपके यूज हो जाते हैं देन यू हैव टू पे योर एमआरवी फीस दैट इज एम्बेसी फीस अगेन टू गेट द चांस टू बुक अ स्लॉट। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, यू आर ओनली हैविंग थ्री चांसेस टू बुक अ स्लॉट। तो अगर आपको लगता है कि आप इस टाइम के बीच में स्लॉट पालेंगे तो आप अपना एक अपने शेड्यूल करें, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको थ्री टाइम्स के बीच में स्लॉट नहीं मिलेगा या आप एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी जो चांसेस है उसको वेस्ट ना करें ऐसे रिस्कड्यूल करके। ओनली रिस्कड्यूल इफ यू आर श्योर कि दैट ये डेट मिलेगी फाइनलाइज है। इसके अलावा अब हमारे टीम ने एक और एड ऑन किया है सर्विसेज, जिसमें हम आपको आपके वीजा के बारे में असिस्ट कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रोफाइल्स को फॉर फ्री असेसमेंट। वी विल टेल यू दैट यू शुड अप्लाई और नॉट एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस। वी विल टेल यू एनीथिंग अबाउट इट। यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप योर प्रोफाइल ऑन द व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल एंड यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you for watching this video. Stay fit and stay healthy. Bye.